मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अब सामाजिक भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर कवायद भी शुरू हो गई है और यही कारण है कि चौरसिया समाज ने प्रदेश के राजनीतिक दलों से उनको प्रतिनिधित्व दिए जाने की मांग उठाई है। समाज के पदाधिकारियों ने बीजेपी से मांग की है कि उनको पर्याप्त हिस्सेदारी राजनीति में दी जाए, अन्यथा वह सियासी दलों को वोट नहीं देंगे। देखिए इसी पर एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने से पहले अब सामाजिक संगठन भी राजनीति में भागीदारी की मांग उठाने लगे हैं और यही कारण है कि चुनाव से ठीक एक साल पहले चौरसिया समाज ने अपनी आवाज बुलंद की है। चौरसिया समाज के प्रदेश अध्यक्ष विक्की चौरसिया ने शुक्रवार को राजधानी भोपाल में मीडिया से चर्चा की और कहा कि भोपाल के मानस भवन में 18 सितंबर को सामाजिक सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समाज के नवनिर्वाचित पार्षद, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों का सम्मान किया जाएगा। इस सम्मान समारोह के जरिए चौरसिया समाज राजनीति में भागीदारी को लेकर भी सरकार से मांग करेगा। आगामी 18 तारीख को मानस भवन भोपाल में हमारे समाज के जीते हुए जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुनकर के अभी नवनिर्वाचित आए हैं, उनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे संरक्षक भी हैं और सिक्किम के महामहिम राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू जी हमारे बीच उपस्थित रहेंगे। तो संगठन के संरक्षक होने के नाते हमारे समाज के लोगों की एक कुछ मांगे हैं जो हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कहना चाहते हैं। पान विकास सलाहकार बोर्ड का गठन पिछले 2018 में हुआ था, जिसमें अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। राज्य शासन से हमारी ये मांग है कि पान विकास सलाहकार बोर्ड में नियुक्ति हो। संख्या के आधार पे मध्य प्रदेश में हमें राजनीतिक भागीदारी मिले। काफी समय से हमारी ये मांग रही है कि पान पंचायत बुलाई जाए, तो पान पंचायत बुलाए जाने पर विचार किया जाए। इस सम्मान समारोह में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और सत्ता और संगठन से जुड़े तमाम पदाधिकारी शामिल होंगे। चौरसिया समाज मध्य प्रदेश के 40 जिलों में काफी संख्या में है और यही कारण है कि समाज के पदाधिकारी सत्ता और संगठन में भागीदारी बढ़ाए जाने को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल यानी कांग्रेस और बीजेपी से अब मांग करने लगे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दोनों ही राजनीतिक दल किस तरह से इस समाज को साधने का काम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ भोपाल।